Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar will be shortly interacting with successful candidates of the state's staff election commission through an audio conference. We have a live feed coming in. Let's have a look. उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए, इन्हें नौकरियां बिकने का काम ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको सब सुनाते थे। मन में एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको यह अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। मेरिट इज अवर मास्टर, इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराए कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71,00,000 परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात का नारा लेकर के और हमने चुनाव लड़ा, सफलता पाई, दूसरी बार सफलता पाई। और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें ना करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9-9.5 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण है कि जिसके कारण से आज सब लोग जो उस समय विरोध करते थे आज वो कूदते हिर रहे हैं, आज वो गदगद हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है। पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी, जिनको नहीं मिलती थी सब परेशान होते थे, नाराज होते थे, सब जो है एक प्रकार से यानी सरकारी सिस्टम के प्रति आलोचना करते थे। लेकिन आज नौकरी मिलती है उसको तो संतुष्टि है ही, जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसको भी कोई मन में परेशानी नहीं है। हर कोई सोचता है कि जिसको नौकरी मिली है भाई वो बहुत होशियार था, हमारे से पढ़ाई में आगे था और उसको प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी मेहनत करके नौकरी मिल सकती है। पहले जब नौकरियां मिलती थी तो चर्चा क्या होती थी कि अमुक नेता के बेटे का, अमुक अधिकारी के रिश्तेदार का, इनको नौकरियां मिली हैं, ये खबरें छपती थी। लेकिन आज खबरें क्या छपती हैं, आज छपती हैं कि अमुक गरीब व्यक्ति का, अमुक रिक्शा चलाने वाले का, अमुक गरीब किसान का बेटा, उसकी नौकरी लग गई है, वो ग्रुप सी में लग गया है, ग्रुप बी में लग गया है, ग्रुप ए में लग गया है, एचसीएस लग गया है। किसी भी लेवल की नौकरी किसी प्रकार की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद मिल सकती है। ये आज हरियाणा के युवा का विश्वास बना है। न केवल हरियाणा, देश भर में अन्य प्रांतों में भी ये चर्चा चली है कि जिस हरियाणा में ये कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी, आज सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि अच्छा हरियाणा में ऐसा हो गया। हम कहते हैं हाँ ऐसा हुआ। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप इन बातों को करके बहुत प्रचार नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि मैं प्रचार क्यों करूंगा, आखिर मैंने अपने परिवार के लोगों की सेवा की है और जब परिवार के लोगों की सेवा करनी होती है तो उसके लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो उसमें लाभान्वित होता है उसको सब लोग देखते हैं। आज जब ये नौकरियां मिलती हैं तो मेरे कान पर बात पड़ती है, एक एक गांव जिसमें दर्जनों दर्जनों नौकरियां लगी हैं, दिसाली अखड़ा गांव सिरसा का 35 से ऊपर नौकरियां एक ही गांव में लगी। इसी प्रकार बहुत लोग मेहनत करते हैं और इसमें शामिल हो गए हमारे साथ। एक युवा यानी चंद्र कला का संजीव, जो स्वयं शिफ्ट अटेंडेंट है, नौकरी करता है, लेकिन उसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को उसने ट्यूशन पढ़ाई, उसने उनकी ट्यूशन नहीं पढ़ाई होगी तो उनकी मदद की और उनको अतिरिक्त समय में मदद करने के बाद
जो उनके साथ जुड़े लोग थे उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 16 बच्चे जो है नौकरी लग गए। कितनी प्रसन्नता हुई होगी संजीव को इस प्रकार के काम करने वाले, केवल एक नाम लिया है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करके और लोगों को आगे बढ़ाया है। हमारे जीवन में इस संघर्ष में बहुत लोगों ने साथ दिया, हमारे माता पिता ने दिया, हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे सहपाठियों ने दिया। सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। तो आज मित्रों, जो हमारी ये पिछले दिनों में 10,500 लोगों की भर्तियां एक साथ हुई, बाद में लगभग 1100 लोग पुलिस के अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है, और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी, 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई, 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे सबको नौकरी